अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मैविस सुहेब हसन है के साथ ये मेरी मॉर्निंग की वीडियो है। मैं विंडो ओपन कर रही थी और फिर मुझे याद आया कल मैंने कपड़े साइड पर धो के डाले हैं, तो वापस बंद कर दी। वैसे ही ठंड हो रही है, पता नहीं चलता रूम में भी। यहाँ मैं नाश्ता बनाने आई थी और ये मैंने हाफ फ्राई एग अपने हस्बैंड के लिए बनाया और अपने लिए सिंपल एग बनाया है, फेट ये जिस तरह बनाते हैं। तो ये हमने नाश्ता बना लिया, मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता लेकर आ गई हूँ। यहाँ ब्रेड, अंडा और चाय, आज हमने ये नाश्ता किया था। और मेरे साथ मेरी बेटी बैठी हुई थी, यहाँ कीवी रखे हुए थे, मेरी बेटी उसे बॉल समझ के खेल रही थी और हम नाश्ता करने लगे थे। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाने आई हूँ। हमारा नाश्ता भी डन हो गया, किचन बिल्कुल फैला हुआ था सुबह सुबह। देन मैंने किचन का काम किया और फिर बेटी मेरी इसी तरीके से मेरे गोद में लटकी हुई है और फिर मैं खाना बनाने आई थी। तो मैंने पालक आलू बनाना था, यहाँ मैंने तेल डाला, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और मैं वीडियो बना नहीं पाई। मेरी एक हाथ में बेटी थी और फिर उसी से मैं कैमरा भी होल्ड की हुई थी मोबाइल का, तो मैंने डायरेक्ट स्पाइसेस ऐड किए इसके अंदर। थोड़ा सा स्पाइसी साथ भुना था, ये लहसुन अदरक डाला है और उसके बाद यहाँ मैंने डायरेक्ट पालक और फिर उसके ऊपर आलू डाल दिए थे और फिर थोड़ी 5 मिनट बाद आके इसको चला दिया था। तो उसके बाद के ऊपर नीचे करने का आलू नीचे हो गए थे और वो फिर अच्छी तरीके से घर में आई हूँ और अपनी बेटी को लेके यहाँ मैं रूम को सेट करने लगी थी। बहुत ज़्यादा रूम फैला हुआ था यहाँ, मुझे उसको सेटिंग करनी थी। बेड बिल्कुल फैला हुआ था, मैंने काफ़ी रूम की सफाई की थी तो इस वजह से सारी चीज़ें वैसी की वैसी फैली हुई थी। मेरी बेटी सोफे पे लेटी हुई है, साथ में उसका कॉट रखा हुआ था, उस कॉट में मैंने रखा हुआ था मोबाइल जिसमें वो पोएम्स देख रही थी और फिर मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया उसने। साथ साथ मैं यहाँ काम करते जा रही थी और इनाया जो है वो पोएम देख रही थी। मेरी बेटी का नाम इनाया है, आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें ही मैंने आपको बताया था। और यहाँ मैं कुशन वगैरह सब अलग कर रही थी, कुशन के कवर्स मुझे वॉश करने थे दोबारा। कल मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, आज मैंने कुछ कपड़े वॉश करने थे तो इसलिए मैंने इसके बाद बेड की चादर बिछाई और बेड से ही किया। इनाया को खिला भी रही थी साथ साथ, क्योंकि वो फिर रोने लग जाती है, ज़्यादा देर तक भी पोएम नहीं देखती, उसका मूड फौरन ऑफ होने लगता है, उसको एनी टाइम मम्मा सामने चाहिए होती है, इसलिए ये हमेशा मेरी गोद में लटकी रहती है। यहाँ मैंने उसको उठाया है और फिर उसका सोफ़ा भी वहाँ से हटाया। ये सोफ़ा इसकी आनी ने गिफ्ट किया था, ये मुझे भी बहुत पसंद है और इनाया को भी। यहाँ से मैं कॉट हटा रही हूँ इसका ताकि मैं यहाँ चादर बिछा सकूँ। फिर बेड की चादर चेंज की थी आज, मेरा गला भी बहुत ख़राब है, इनाया को भी खांसी हो रही है। बहुत ज़्यादा गला ऐसा ख़राब हो रहा था और खांसी हुई थी, शायद मेरी वजह से। जम्स बच्चों को बहुत जल्दी लग जाते हैं इसलिए इनाया को भी खांसी हो रही थी और वो रोती भी ऐसे है, इतना रोती है और रोती है इस तरह ऐसे है कि उसकी गला भी इसी वजह से ख़राब। तो वहाँ मैंने बेड सेट कर लिया था और फिर मैं यहाँ पे नया को लेके बाहर आई थी, उसके कपड़े चेंज कर दिए थे मैंने बाहर टेरेस पे। थोड़ी देर इसको मैंने बाहर दिखाया था और फिर उसके बाद मैं इसको वापस अंदर ले गई थी, इसको सुलाना भी था मुझे। तो ये बाहर आई हैं साहिबा घूमने के लिए, अभी बाहर आती है, उसके चेहरे पर आप उसे बस की स्माइल देखिएगा। इनका चेहरा मूड उतरा हुआ हो रहा था, फौरन गोद में लो इनको, नींद भी आने लगी थी इनको। तो ये बाहर से घूम के वापस जाएंगी, फिर सो जाएंगी रूम में। और यहाँ मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है कि आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, इसकी वीडियो मैं एडिट करके अपने चैनल पे डालूंगी। तो अगर आपको मेरा ये लुक देखना है तो मेरी इस वीडियो के बाद आज या कल में मेरा ये लुक की वीडियो भी देख सकते हैं। और हाँ, बस यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।